रहे हैं SJM न्यूज़, मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। तमाम जो औरंगाबाद ज़िले से बाहर देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूँ, इस वक्त मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज औरंगाबाद में एक पोस्टर बहुत घूम रहा है, जगह जगह दिखाई दे रहा है। वो पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि सिल्लोड़ के आमदार और तथा राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब के नेतृत्व में सिल्लोड़ के अंदर 555 शादियां होने जा रही हैं। और वैसे भी अब्दुल सत्तार सेठ हमेशा, शुरुआत में हमने देखा है 101 शादी, फिर 251 ऐसा होते होते आज 555 पे शादियां चल रही है। और इसके बारे में कई तरह के आज औरंगाबाद सिटी में कई तरह के चर्चे हैं, और कई लोगों ने मुझसे कहा भी है कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए, एक बात बनाइए। या बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि हम कुछ कहना चाहते हैं। जब मैंने कहा कि आप बोलिए, तो उनका अंदाज़ ज़रा गलत था, बहुत तल्ख लहजे में था। तो मैंने कहा भैया, ये वीडियो मैं बना लेता हूँ, आपकी जो दिल की बात है, आपकी जो मन की बात है, मैं जो आपका मकसद है बोलने का, मैं पहुँचा देता हूँ। तो असल बात कहने का ये है कि आज औरंगाबाद में चर्चा है कि सत्तार सेठ, अब्दुल सत्तार सेठ एक आमदार है, वो साल को 555, 600, 700 शादियाँ कराते हैं और भी दीगर बहुत से काम करते हैं। तो क्या औरंगाबाद शहर में कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, ये लोगों में चल रहा है? जब सत्तार सेठ 555 शादियाँ कर सकते हैं, तो क्या औरंगाबाद के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है? एक सवाल उभर के आ रहा है। हमारा खुद का सर्वे भी है कि औरंगाबाद शहर के अंदर कम से कम, वैसे तो बहुत से लोग हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन 100 लोग ऐसे हैं जिनको ऊपर वाले ने इतना नवाजा है। अगर ये एकजुट हो जाए तो 555 नहीं बल्कि ये 2051 शादियाँ कर सकते हैं। इतने पॉपुलर, इतने ताकतवर, हर एतबार से इतने लोग औरंगाबाद में मौजूद हैं। तो आखिर क्या कारण है कि पूरी औरंगाबाद ज़िले में एक वाहिद अब्दुल सत्तार सेठ है जो शादियाँ करते हैं? अब कुछ लोग कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे, अरे यार सत्तार सेठ तो ऐसे वैसे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा था, ये मत देखो कौन सा इंसान क्या है, बल्कि ये देखो अच्छा काम क्या कर रहा है। एक आदमी है बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, उसका एक नाम है, लेकिन वो इंसानियत के लिए काम नहीं करता, बताइए फिर वो आदमी क्या काम का है? यह चर्चा चल रही है। हर एक आदमी ठीक है, अगर आपको किसी हद तक किसी नजरिए से अगर बुरा मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत बड़ा काम करता है, इंसानियत का काम करता है, तो बताइए फिर बचता क्या है? और आज हम देखते हैं औरंगाबाद के अंदर आज एक जलसा हुआ था, उसके अंदर चैलेंज किया गया खुल्ला खुल्ला, मुसलमानों के बच्चों को जो ऑफर दिया गया, ये योजना बनाई गई कि आप हिंदू लड़कों शायदा करेंगे तो आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं दिल से नहीं कह रहा हूँ, खैर वो एक विषय अलग है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे खबरें मिल रही हैं, समाचार मिल रहे हैं कि कई मुस्लिम बच्चों ने अपने धर्म से जाके जो अलग धर्म में जाकर शायदा की, सवाल ये इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आपने सोचा है? एक आदमी, मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, एक रिक्शा ड्राइवर है, उसका घर किराए का है, 5 बच्चे या 2 मियाँ बीवी, खुल्लम खुल्ला 7 जने हैं, अगर माँ बाप जिंदा है तो वो 8-9 जने हो जाते हैं, आपको 7 ही पकड़ लीजिए आप, ठीक है। 5,000 रुपये किराए का घर है, 5 बच्चे खाने वाले हैं, दूध शक्कर पति पढ़ाई लिखाई में क्या पुर्रा, सोचिए आप। नौ बाप, वो ज़्यादा पढ़ा भी सकता नहीं, जाहिर सी बात है, बेचारा बाप दिन भर जो रिक्शा चलाता। और कई हमने ये भी देखा है कि माँ जब महंगाई बढ़ जाती है तो माँ भी बेचारी कई बर्तन धोने जाती है, सिलाई काम करती है, पपड़ बनाने जाती है, तो बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं, भटक जाते हैं। ये सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा साहब। हम घूम रहे हैं मार्केट में, हम देख रहे हैं, ये सच्चाई है। और आप बोल रहे हैं यार ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? आज औरंगाबाद में 100 लोग, बल्कि वैसे ज़्यादा है, लेकिन 100 लोग जो मेरे संपर्क में हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, मैंने उनके माँ बाप से कहा कि खास साहब अपने बेटे की शादी करा दो यार, बच्चा बाहर बिगड़ जाता। तो उन्होंने कहा अंसारी साहब, मेरा घर जातिया ज़रूर है, बोले जिनका घर जाती है, उन्होंने ये जवाब दिया, मेरा घर जाती है ज़रूर है बोले, लेकिन हमारी आमदनी इतनी, बोले भाई हम रोज़ खाते पीते, अब बच्चे की शादी करेंगे तो बोले 1.5-2 लाख रुपये कहाँ से लेंगे? अच्छा, मैंने कहा कि आप जो चाय पानी करो, नहीं लड़के वाले नहीं मानते, बोलते वो नहीं मानते, कभी बोलते समाज नहीं मानते, ये सारे मसले में ऐसा ला रहे। लड़के वालों को बोले तो बोलते नहीं, लोग ताना देते, ये ऐसा करते वैसा करते, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी तमाम औरंगाबाद के लोगों से गुजारिश है, बड़े बड़े नेताओं से गुजारिश है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से गुजारिश है, जैसा अब्दुल सत्तार सेठ ने करके बताया था, अपने बच्चे और बच्चे की शादी को इज्तिमाई शादी में पेश किया था, शर्माए नहीं थे, उठा के देख लो आप,
जाते मैं उनकी बेटी या बेटा की शादी उन्होंने निकाह खा दी उसमें कराए थे इज्तिमाई शादी में। तो क्या औरंगाबाद के जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता है या बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़े बड़े जो होते बिजनेसमैन है, क्या वो ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकते कि हम हमारी बच्ची की शादी बेटे की शादी इज्तिमाई शादी में करें? भले 5,000 लगाओ आप, 5 लगाओ, 7 लगाओ, 21 लगाओ, 51 लगाओ, 101 लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको तहरीक दें? खाली खबरें सुनते बैठे, आज इतनी लड़कियां चले गई, आज उतनी लड़कियां चले गई, ये देख रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? कभी अपनी गलतियां पे हम नहीं देखेंगे कि हम अपने अंदर झांकी नहीं देखेंगे? ऐसी बहुत सी बातें मैं बता नहीं पा रहा हूं आपको, क्योंकि चैनल है ये कहां देखा जाएगा, कहां कैसे देखा जाएगा मुझे भी नहीं मालूम, करके मैं बहुत संभल के बात कर रहा हूं। वरना ऐसे कई ठोस सबूत है। खाली एक इशारे में एक बात कहूंगा कि अगर कुछ देखना चाहते हैं नजारा बेबसी का, तो सिडको चले जाइए, सिडको अड़को, शाम के टाइम रात के 9 बजे से लेके तो 2 बजे तक। तो अगर आपका जमीर जिंदा है, आपको ऐसा लगता है, तो आप सिडको अड़को जाना छोड़ देंगे, कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं नहीं कहूँगा क्या नज़ारे हैं, जाके देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। वो नज़ारे हमने कई बार बार हाँ देखा है, दिल दुखता है। कब तक उनको बुरा बोलते बैठेंगे कि हमारी गलती पर हम नज़र नहीं डालेंगे कि हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, हमारी गलती क्या हो रही है? ये सवाल आज शहर में चल रहा है। क्या औरंगाबाद में ऐसी रिवाज कायम नहीं हो सकता? जैसे अब्दुल सत्तार सेठ ने 555 शादियां कर रहे हैं, हर साल करते हैं। एक इनिस पटेल साहब ही हरसुल की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो बेचारा अलग अनेक बंदा 101 शादी किया करते थे, सब लोग ताउन करते थे। क्या इनिस पटेल क्या इतने बड़े आदमी है? क्या औरंगाबाद में उससे बड़े लोग नहीं है? कब तक राजनीति करेंगे? आज औरंगाबाद नाम बचाने के लिए सब लोग जगह आ गए, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, हाई कोर्ट में जा रहे। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पैसा क्या लग रहा बोलो, हम देने को तैयार हैं। और जो गरीब मुसलमानों की बच्चियां बिन बिहारी जो जायज के इंतजार में बैठी है, सारी बातें हैं, पैसे नहीं है, वहाँ कोई आगे नहीं बढ़ रहा, हम हैं तुम्हारे पीछे खड़े हुए। बताइए अगर एक नाम चला जाता है, मैं माफ़ी के साथ माफ़ी मांगते हुए कह रहा हूँ, अगर एक औरंगाबाद का नाम चला जाता है तो कौन से मुसलमानों की इज्जत घटने वाली है? लेकिन अगर मुस्लिम समाज की अगर बेटियाँ गुर्बत के मारे कहीं और चले जाती हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एक तरफ नाम चले जाता है, एक तरफ मुसलमानों की बेटियां गुर्बत की वजह से चले जाती है, क्या फर्क है बताइए मुझे? आप कौन सी बात इज्जत और एहतराम के ज्यादा खाए पी ले? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर जज्बात भड़क रहे हैं और मैं दायरे में रहकर बात कर रहा हूं। सवाल यह कि औरंगाबाद में कोई नेता नहीं है, कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, बड़े बड़े बंगलों के मालिक हैं, बिजनेसों के मालिक हैं, कारोबारों के मालिक हैं। अरे अगर आप साल में आपकी लाखों करोड़ों पर ज़कात निकलती है, आज जरा सा घटना हो जाए सब एक जगह आ जाते हैं, अरे वो उनको गिराने, फिरका परस्तों को शिकस्त देना है, जुमला कितना अच्छा निकल के आता है, फिरका परस्तों को शिकस्त देना है तो हम एक जगह आ रहे हैं। और यहाँ पर समाज की हजारों बेटियां बैठी हुई इसकी, और उसको शिकस्त देने के लिए फिरका परस्तों को कोई सामने नहीं आता, चल रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं, अरे भाई जब संभालते नहीं तो पैदा क्यों करते हो? कुछ लोगों मेरे सामने कहा है, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ तमाम औरंगाबाद के नेताओं से कि औरंगाबाद में वो वक्त कब आएगा, क्योंकि मैं औरंगाबाद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो भी एक्टिविटी होती है इसके असरात पूरे मराठवाड़े पे पड़ते हैं, महाराष्ट्र पे पड़ते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक राजधानी रह चुकी है। ये कुदरती बात है, 1400 पालकी के वली अल्लाह भी लुटे हुए, शायद उनकी बरकतें सारी बातें मामला चलता है रूहानी तौर से। अब पता नहीं और क्या होता होगा, हम तो समझ नहीं सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि औरंगाबाद से जब तहरीक उठेंगी, यहाँ के मुस्लिम समाज के बड़े बड़े चुनिंदा लोग जिसमें लीडरशिप भी शामिल है, वो अगर ऐसा 555 1055 1100 शायद अगर लगेंगे गरीबों की, और क्या ही अच्छा होगा, उसमें हमारे दलित समाज है, मराठा समाज है, आदिवासी, उनको भी साथ में ले लो, जैसा हम दावा करते हैं कि हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, वो पैगाम भी चला जाए, भाईचारगी का, इतिहाद का, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी चला जाए। कब जागेंगे आप सत्तार सेठ की तरह? कब जागेंगे? क्या पूरे महाराष्ट्र में अब्दुल सत्तार सेठ अकेला वाहिद मुसलमान है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों ने मुझसे कहा है, उन्होंने वो तो मेरे चैनल पर कहना चाह रहे थे लेकिन बहुत बुरा बुरा बोलना चाह रहे थे, करके मैंने रोक दिया। मतलब भैया मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा, आप मत बोलो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मेरे बोलने का लहजा आपको इतना खराब लग रहा है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा खुल के बुरा बोलने वाले थे नाम लेके, तो सोचिए वो क्या क्या बोलने वाले थे। ये खाली मैं आपको इशारे में दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत काम कर रहे हैं, कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं, कि आप समाज की बात को उठाते नहीं है, आप सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो गरीब मुसलमानों का क्या? आप एक तरफ स्टेज पे बोलते हैं कि मुसलमान सरकारी नौकरी में 2% है, उससे भी कम है, सब रिक्शे चलाने वाले, ठेला लगाने वाले, मट्टी काम वाले, मजदूर तबके के, एक तरफ आप ये बोलते आंकड़े बताते हैं स्टेज पर रह के,
तो क्या आपकी अकल काम नहीं करती कि यार एक मजदूर की जो शादी होगी तो कैसे होगी? हमारे बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो 2 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, शादी करते हैं तो डीजे में 5 लाख खर्चा आ जाता है, कोई नेता साहब आते हैं तो उनके स्टेज बनाने को 5 लाख लग जाते हैं। क्या बात है ये, क्या बात है? तो उम्मीद करते हैं तमाम औरंगाबाद के, खास तौर से मैं कह रहा हूं तमाम मुसलमान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेसमैन, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि देखिए सत्ता सेठ की तरह एक तारीख बनाइए, एक इतिहास बनाइए कि इससे प्रेरणा पूरे मराठवाड़ा ले और मराठवाड़े से पूरे महाराष्ट्र में बात फैले कि यार ऐसा भी काम हो सकता है, गरीबों को हम ऐसा भी सहारा दे सकते हैं। कब तक रोते रहेंगे कि हम हमारी गलती भी नहीं देखेंगे? एक बार मुझे याद आ रहा, कोरोना काल के अंदर इलियास क्रमानी साहब का प्रोग्राम चल रहा था, वहां मैंने एक बात सुना था कि पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख से ज्यादा लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां ने अदर समाज में जाकर शादी की। ये मेरे चैनल पे आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, आप बहुत साल डेढ़ साल पहले आपको जाके देखना पड़ेगा, मेरे चैनल पे है। तो सवाल मुझे याद आ गया, कौन जिम्मेदार है? हमारा खुद का सर्वे भी है, गुर्बत है साहब, परेशानी है। सुनने को बड़ा अच्छा लगता है यार, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, समझ रहा नहीं क्या, बच्ची कहाँ जा रही देख रहे नहीं क्या, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब घर में आटा नहीं होता है, तेल को पैसे नहीं होते हैं, घर मालिक बोलता है कि खाली करो कल घर, नहीं तो किराया तो खाली करो, तो कहाँ जाएगा 5 बच्चे लेके? ये मैं देख रहा हूँ कोरोना काल में, मैंने देखा है साहब, मैंने बहुत से वाकयात देखा हूँ, ऐसे ऐसे वाकयात देखा हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता है। अरे हम अपने पे एक दूसरे पर रहम नहीं कर रहे, एक मुसलमान है उसके पास अल्लाह ने नवाजा है, उसके पास 6 किराएदार है, वो रहम करने को तैयार नहीं, वो रहम नहीं कर रहा, तो कौन रहम करेगा तुम पे? जबकि हदीसों में लिखा हुआ है अल्लाह उस पर रहम करता है जो बंदों पर रहम करता है, यहाँ रहम करने को तैयार नहीं है। पानी आए तो बाजू पानी भी नहीं दे रहे, गाड़ा धो रहे पानी नहीं दे रहे। एक मिसाल जैसी देखने में आती है, कहाँ कहाँ इशारा करूँ, कहाँ कहाँ आपकी गलती निशानदेही करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने इस्लाही तौर पर एक अच्छे अंदाज से नेक नियति से कहा हूं। उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला समय में, ये रमजान के बाद रमजान का मुबारक फना चढ़ रहा है, क्या ये अच्छा हो कि आप जकात का कुछ पैसा साइड में रखें वो नियत से कि हम गरीबों को शायदा करेंगे रमजान के बाद? एक इतिहास बनाइए आप, अब्दुल सत्तार सेठ इतिहास रच दिया है, सलाम है अब्दुल सत्तार सेठ को। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको 1000 साल की उम्र दे, इसलिए दे कि हर साल 500 शादियां होंगी, वो गरीब लड़कियों की माँ आपकी दुआएं लिख लेंगी सत्तार सेठ के लिए। मैं तय कहा राज्य मंत्री नहीं, अब्दुल रहमान दुलित आप मुख्यमंत्री बन जाओ और 5055 शादियां आप करो, ये मेरी दुआ है, दुआ है मेरी सत्ता सेठ साहब, आपको दुआ है मेरी। और यहां के नेताओं से इल्तिजा है हाथ जोड़कर कि भैया आप सब काम अच्छा कर रहे हैं, आपसे शिकायत नहीं है, इस तरफ भी ध्यान दो। अगर शहर के बड़े बड़े 100 लोग एक जगह आ जाएंगे ना, चुटके में काम हो सकता है, बाविकात रेस काम हो सकता है। और अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मुमानी की बच्ची, जैसी जैसी भी हो उसमें शामिल करो, ताकि गरीबी को गुर्बत का एहसास ना हो, एहसास से कंत्री ना हो यार हम गरीबी करके शादी हो रही है। जैसा अब्दुल सत्तार सेठ ने करके बताया था, अपने बच्चे की शादी के वलीमा, बच्चे शादी इज्तिमाई शादी में लगाए थे, इधर के देख लो आप रिकॉर्ड के अंदर। सब नेता चाह कोशिश करो, ये आपसे दरखास्त है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर एक बार कह दूं, ये लोगों ने कई लोगों ने कई बातें कही थी, मैं निचोड़ कह रहा हूं, उन्होंने तो बहुत अलग अंदाज से कहा था, मैं आपको बहुत अच्छे अंदाज से शायस्तगी के साथ सलीके के साथ कह रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि इसको हल्के में ना लो, वरना खबरें मिलते रहेंगी, आज ये साल इतनी बच्चियां चली गई, उतनी बच्चियां चली गई, लेकिन जिम्मेदार क्या है, वजूहत क्या है, इसके वास्ते आपको कोशिश करना पड़ेगा। दूसरे पे उंगलियां उठाना, दूसरे को कहना, बुरा बोलना, ये सारी बातें आसान है साहब, पहले देखो आप क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको तय में जाना पड़ेगा। जब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 साल में मैं घूमा हूं, करके मैं बोल रहा हूं, मैंने आंखों से बॉस को देखा हूं, फिर भी मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूं, सिर्फ चंद बातें थी जो सिर्फ झलकियां बता रहा हूं, झलकियां। तो उम्मीद करते हैं औरंगाबाद के नेता, तमाम जिम्मेदार जागेंगे और एक इतिहास रख दो आप कि हर साल 1000-2000 शादियां होंगी, और उसके अंदर ऐसा नहीं खाली गरीब, बड़े बड़े लोग भी अपनी बेटियां का, अपनी भांजी का, अपने रिश्तेदारों की शादी को, अपने चाहे लड़का हो कि लड़की हो, उस मंडप पर बिठाओ और बताओ कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम भी आपके साथ में, ताकि इस अच्छे काम को एक हौसला अफजाई मिले। कोई ताना है कैसे, अरे तेरा बाप तो गरीब था, इस तरह शादी में करा, ये ऐसी बातें मैंने सुना हूँ, ऐसी बात देखा हूँ। उम्मीद करते हैं कि सब लोग हौसला अफजाई के साथ, नेक नीयत के साथ आगे बढ़ो साहब, नहीं तो देखिए तबाही तो तबाही है और तबाही तो आ रही है, अब देखिए जिम्मेदार कौन है। मैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोलने में गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा है, एक दर्द के साथ कहा है, उस दर्द को मैंने अपनी जुबान से बयान किया हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।